ये खोल दिया, वो खोल दिया, वो फलाने का। अब मोदी जी ने इतनी नौकरी देने का वादा किया था कि हम जी हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ है नौकरियां अभी। आज इतने बच्चे जो बेचारे हर साल बारहवीं बीए ये वो सब करके बच्चे बेचारे घर पे ही बैठे हैं, वो उन्हें कहाँ है नौकरियां, नौकरियां ख़त्म कर दी, तो अब पब्लिक कहाँ जाए। कौन सी पार्टी ने लोगों के लिए विकास कार्य किया? वैसे अब ये दुर्गेश पाठक जी हैं जो आम आदमी पार्टी के, ये कुछ सुधार कर रहा थोड़ा जी, सुधार किया इन्होंने। अभी क्या लगता है कि मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेटर काम कर रही है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते नहीं, जैसे जैसे देखिए चुनाव के माहौल में, एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, ऊपर से चुनाव है, कैसे समझते हैं? देखो पार्टी आनी चाहिए, कोई भी आए काम करने वाली आए जी, काम करने वाली आए, काम करने वाली, वादे कर जाते हैं, आता कोई नहीं, वादे कर जाते हैं। केजरीवाल बहुत अच्छे इंसान है, देखो सब कोई फंसता है, चाहे किसी पार्टी को, सब कोई ऐसा काम करता है। दिल्ली में ठीक है, जो भी जैसे पानी का था, बिजली का था, और भी हॉस्पिटल था, स्कूल था, हमारे बच्चे हमने शुरू से सरकारी में पढ़ाए, पढ़े हैं बच्चे सही थे, पहले नहीं थे इसलिए कोई नहीं पूछता था सरकारी स्कूल में, लेकिन अब पढ़े हैं बच्चे, ठीक है, जिसको ठीक है तो ठीक ही कहोगे ना फिर उसको। अब सरकार देखो जी, दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना चाहिए, दिल्ली में रह रहे हैं, बाकी तो हम अपने यूपी में देखो योगी हैं। बाकी कामों की बात की जाए तो बहुत अच्छा किया, स्कूल अच्छे बनाए केजरीवाल ने, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, बाकी जो लेडीज़ों को जो सुविधा दे रखी है दिल्ली में वो अच्छी है, पानी की, बिजली की, काफ़ी सुविधाएं दी हैं, लेकिन बस एक ही काम गलत किया, जो ठेके इधर उधर खुलवा दिए, जो जगह जगह, उससे क्या है आने वाली जो पीढ़ियाँ और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं जी, ज़्यादातर 90% हमारी दिल्ली में, बाकी किसी क्षेत्र में इतने ठेके नहीं मिलेंगे जितने दिल्ली में, और ये अच्छे संकेत नहीं है। जिस हिसाब से जो किया था, चाहे भले केजरीवाल ने क्या मजबूरी के लिए पैसा लाने के लिए या कहीं देने के लिए जो मर्जी कह लो, लेकिन उसकी सोच थोड़ी सी गलत थी। मतलब यहाँ पर केजरीवाल की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक ठाक। अच्छा वैसे ओवरऑल बात की जाए तो देश की बात की, महंगाई की या बेरोजगारी की, उस पर क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, आजकल आम आदमी क्या खाए, सब्जियाँ देख लो तुम, कोई भी सब्जी है आजकल 40-50-60 रुपये से कोई सब्जी नीचे नहीं है, कोई भी सब्जी, कोई भी फल तो खैर दूर की बात रहेगी साहब, के फल तो दूर आदमी सोच ही नहीं सकता, एक गरीब आदमी सब्जियां मिल जाए, एक टाइम की सब्जी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतनी महंगाई हो चुकी है, लोगों की गरीब आदमी की सैलरी तो इतनी है नहीं, ऊपर से अब गरीब आदमी गाँव से आया है जहाँ पर, तो वो अब कमरे का किराया भी देता है, अब उसमें उसके दो बच्चे या तीन बच्चे हैं, मियाँ बीवी स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, किसी गरीब आदमी ने सोच रखा है चलो भाई सरकारी स्कूल से एक आध बच्चे को चलो प्राइवेट पढ़ा लेते हैं, हाँ सोचता ही आदमी हर कोई, लेकिन नहीं पढ़ा सकता, गरीब भाई के भाई हैं बेचारा, आगे उठ ही नहीं पा रहा, गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं सोच रही है। अगर देखा जाए तो और चीज़ों को लेके गवर्नमेंट कहीं कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं ये खोल दिया, वो खोल दिया, वो फलाने का। अब मोदी जी ने इतनी नौकरी देने का वादा किया था क्या, हम जी हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ है नौकरियां पे। आज इतने बच्चे जो बेचारे हर साल बारहवीं बीए ये वो सब करके बच्चे बेचारे घर पे ही बैठे हैं, वो उन्हें कहाँ है नौकरियां, नौकरियां ख़त्म कर दी, तो अब पब्लिक कहाँ जाए, वहीं के वहीं हैं वो तो। मतलब कि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा हो सकता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा समस्या है, जो युवा है उसको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि जो मिडिल क्लास, जैसे जो मिडिल क्लास से चल रही ना, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब कि उसको कुछ भी लाभ नहीं है, जो मिडिल क्लास का युवा चल रहा है आजकल, मतलब देखो घूम रहे हैं कुछ नहीं, एजुकेशन अच्छी खासी है, पढ़ाई है, कोई नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी करो 10-15 हज़ार रुपये, रूम किराया 5 हज़ार रुपये, क्या बचेगा आदमी, बस खाली घर चल रहा है। अभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, मेनली आप या मैं ही हूँ, तो आदमी अपना किराया रूम का देगा या खाएगा या बचाएगा या दवा कराएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि युवाओं के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी शादी हो गई वो अपना बाहर काम करेगा या फैमिली चलाएगा, कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं कर पा रहा आजकल। अच्छा मतलब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली है ना, दिल्ली में एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जेल में है, किस तरह से समझते हैं इस प्रकरण को? वो देखो वो तो एक चुनाव का मैटर एक अलग हो गया जी, ये युवाओं का ये जो चल रहा है ये अलग हो गया, अब चुनाव वो जो भी है अंदर हैं कुछ भी हैं उससे कोई मतलब नहीं, हमें किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, सीधी सी बात है, क्यों कोई पार्टी किसी खिलाती नहीं है,
जिसको खिलाती है वो ही पार्टी की बड़ाई करेगा, सीधी बात है, जो मुझसे साफ बोलना है। हमें नहीं खिलाती, हमें क्यों बड़ाई करूँगा, मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ, हमें कोई प्रॉफिट मिली नहीं रही या हमें कोई लाभ मिले किसी पार्टी से तो मैं बोलूँ, हमें किसी पार्टी से कोई लाभ नहीं मिलता, मतलब नहीं, मैं बोलूँगा। आम आदमी की हालत बहुत वैसे ही ख़राब है जैसे पहले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, केजरीवाल बहुत अच्छे इंसान है। देखो सब कोई फंसता है, चाहे किसी पार्टी को, सब कोई ऐसा काम करता है, काम करेगा, सब कोई ऐसा है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सबके साथ होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि चीज़ें समझ में भी आती हैं लेकिन गड़बड़ हैं। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि गड़बड़ है, क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ता नहीं तो कह नहीं सकता सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम हो आपका? रामकेश। रामकेश जी हमारे साथ रामकेश थे और हम टोडापुर में लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार जी यहीं पर रहते हैं, मतलब क्या हाल है दिल्ली में, क्या माहौल चल रहा है, क्या समझते हैं? ठीक है सर, जैसा चल रहा ठीक ही है। ठीक तो सर है, लेकिन जैसे हमेशा इलेक्शंस आते हैं एक आम आदमी से फिर बड़े बड़े वादे, फिर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या वाकई में सुविधाएं मिल पा रही हैं? सर सुविधाएं तो वैसे तो नहीं मिल रही जैसे बोलते हैं, वैसे तो कभी भी नहीं मिलती जी, है ना, जो बोलता है वैसे कुछ करता ही नहीं है, बस वो 5 साल बाद आए और लारा लप लगाए और बोल के चले गए, बोल के चले गए। सर छोटी कहाँ मिलती है, गरीब आदमी तो वैसे नहीं मिलती, कोई पूछता नहीं, जल्दी करके तो पूछता ही नहीं। महंगाई कितनी है, हर चीज़ बहुत महंगी है, गरीब आदमी के लिए तो वही मुश्किल तो है। जैसे बोल के गए थे बाबा रामदेव भी बोल रहे थे 30 रुपये लीटर तेल मिलेगा, और आज बात करने को तैयार नहीं उसको, वैसे सुप्रीम कोर्ट घेर रही है उसको, तो झूठ बोलते हैं ये लोग, और ऐसे जो बने महर्षि ज्ञानी इतना झूठ बोलेंगे तो दूसरा बंदा क्या करेगा, कौन विश्वास करेगा फिर इन पर? एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, चार बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे झूठ? इस बार क्या लगता है कि दिल्ली का जो जनता है दिल्ली की, उसका पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा, स्पेसिफिकली दिल्ली की बात की जाए? दिल्ली का तो मेरे को तो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ठीक है, आम आदमी पार्टी। मतलब ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, कुछ फैसिलिटी थी उन्होंने, अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, काम तो किया है अच्छे, हाँ काम तो कर रहे हैं, जैसे पंजाब में, पंजाब में उनकी सरकार है पूरी, तो सही है, बंदा काम कर रहा है। दिल्ली में क्या क्या किया? दिल्ली में ठीक है, जो अभी जैसे पानी का था, बिजली का था, और भी हॉस्पिटल था, स्कूल था, हमारे बच्चे हमने शुरू से सरकारी में पढ़ाए, तो पढ़े हैं बच्चे सही थे, पहले नहीं था इसलिए कोई नहीं पूछता था सरकारी स्कूल में, लेकिन अब पढ़े हैं बच्चे, ठीक है, जिसको ठीक है तो ठीक ही कहोगे ना फिर उसको, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम लोगों से बात करके जान रहे हैं कि क्या दिल्ली के लोगों की समस्याएँ हैं, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनसे हम लोग बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई बेसिकली जो चुनाव है, चुनाव में आपका वोट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जागरूक होना, जब आप अपना वोट देते हैं तो वो वोट आप सोच समझ कर दें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और एक देश आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी प्रगति आपकी ज़िम्मेदारी है। तो देखिए यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। बड़ा बढ़िया कर रखा। क्या बढ़िया किया? चलो बताओ। सब फ्री है, पानी फ्री, तुम्हारा ये फ्री है, लेडीज का किराया फ्री है, बस में। अच्छा, और क्या, बस ये कमेटी वमेटी वाले परेशान नहीं कर रहे हैं आजकल हमारे लिए? आजकल नहीं कर रहे हैं या वैसे करते हैं? पहले कभी नहीं करे, परेशान करते ही नहीं है। मतलब चुनाव के दौर में नहीं कर रहे हैं या वैसे करते हैं? पहले से ही नहीं कर रहे हैं। पहले से नहीं कर रहे हैं? ना ना। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब सरकार देखो जी, दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना चाहिए, दिल्ली में रह रहे हैं, बाकी तो हम अपने यूपी में तो योगी हैं। दिल्ली में केजरीवाल, यूपी में योगी? हाँ। क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रविंदर है। रविंदर? हाँ। चलो रविंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।